गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम। मैं आज आ रही हूँ गाइज़, मैं आज आपको दिखाऊंगी सिरमौर ताल की सिचुएशन, बादल फटने के बाद वहाँ पे क्या सिचुएशन है और वहाँ पे क्या है। गाइज़ इस बार की जो बरसात है ना, उसने ना हिमाचल प्रदेश को पूरा तबाह करके रख दिया है। बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड, हर जगह लैंडस्लाइड, हर दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में होता है। यहाँ बादल फटा है, यहाँ बादल फटा है, ये पता है। तो गाइज मैं सोचती थी पहले कि बादल फटता है तो आसमान से पड़ता है। मैंने कहा जहाँ आसमान से बादल फटता हो तो सिलता कौन होगा उसको। लेकिन अब जब मैं बड़ी होगी तो मुझे पता चलता है वो बादल तो धरती फटती है, उसको बोलते हैं बादल फटना। वैसे ही उल्टा नहीं है, धरती बादल फटना पता नहीं क्या है, जो भी है। पर गाइस हिमाचल प्रदेश में ना इतना लैंडस्लाइड हो रहा हर जगह। पहले तो मनाली में, सबसे पहले बरसात में जब जैसे मानसून स्टार्ट हुआ तो मनाली में तबाही का मंजर आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना भी होगा। और वैसे वैसे मंडी, फिर शिमला, सोलन, नाहन, और अब तो सिरमौर में भी हो गया, जहाँ मैं रहती हूँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ बादल फटा है वो यहाँ से होगा आई थिंक नियर बाय 10 किलोमीटर। और आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सिरमौर ताल पे, जहाँ पे बादल फटा है, और हम आप लोगों को आज दिखाएंगे वहाँ पे कैसा मंजर है, क्या है। और वहाँ पे ना गाइस 5 लोगों की मौत भी हुई है, 2 छोटे छोटे बच्चे और उसके दादा दादी और उसकी मम्मी, बच्चे की मम्मी, मतलब 5 लोगों की डेथ हुई है। तो हम लोग आज जाएंगे वहाँ पे, और आज वहाँ पे विक्रमादित्य जो मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं देखने, विजिट कर रहे हैं, जैसे भी उनका होता है, देखते हैं क्या है वो। तो हम लोग भी जा रहे हैं आज, और हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वहाँ होता है आज। बाप रे, पूरे तो सोती पता सिरमौर ताल है, लैंडस्लाइड और बाप रे, जो उठाए था मंडी जान माल का नुकसान, बाप मंदिर है तो मेरे को है समरिल जितने शिमला होंगे मंदिर ये है वो सिरमौरी ताल जहाँ पे अभी बादल फटा था 2-3 दिन पहले। सोनू जी नहीं ले अपने पास पुलिस वाले हमें नीचे नहीं जाने दे रहे। बादल ना ऊपर वाली पहाड़ी पे फटा था, वहां से ये सारा मलबा पत्थर ऊपर से सब नीचे आया था, यहाँ से सारा नीचे आया था। तबाही, तबाही का मंजर देखना तो यहाँ, इतनी तबाही, बाप रे। गाइस जितनी तबाही यहाँ पे हो रखी है पूरा, ये देखो यहाँ पे पूरा घर आ गया था इसकी चपेट में, और उसमें 5 लोगों की मौत। बाप रे मां, पूरे हाल पहले भेजे नहीं तो ए जो सो अब मंत्री आ रहे हैं तो इस वजह से सबको पुलिस वालों ने साइड में हटा दिया है। मंत्री के साथ देखो कितनी सारी गाड़ियां आती है, बाप रे।
गाइस प्लीज प्रे फॉर हिमाचल प्रदेश। अब जितना हो गया है चलो उतना हो गया, लेकिन भगवान से ही प्रेयर करते हैं, तो भगवान प्लीज अब कुछ ना हो, बरसात जल्दी से चले जाए और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हर दिन ये डर रहता है कहीं यहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, गांव में ना हो जाए, कहीं कहीं कुछ हो ना जाए। जब अपना जाता है ना तो पता चलता है ये क्या होता है। अभी तो दूर दूर से वहाँ बादल फटा, कोई एक दिन लगता है कोई बात नहीं, पर जब जिसका अपना जाता है ना उसको पता होता है कि कितना कितना मुश्किल होता है, कितना कैसे क्या दिल पे बीतती इन चीज़ों से। तो हम तो यही प्रेयर कर रहे हैं सारे, वैसे सब लोग यही प्रेयर करते हैं कभी मानसून जाए और ऐसा मानसून जिंदगी में कभी दोबारा ना आए जैसा इस बार का मानसून। हर जगह तबाही, हर जगह तबाही। तो प्लीज़ प्रे फॉर हिमाचल प्रदेश।